कि आपकी ग्रोथ में ये कहाँ आता है कि आप उनकी तरह आचरण करोगे तभी आप सफल होगे? ऐसा होता है कि आप गए तो वहाँ पे ग्रोथ लेने के लिए थे, कपड़े बदलने थोड़ी ना गए थे वहाँ पर। तो जब आप उससे भगोड़ा कह रहे हो पैसा लेकर भागने पर, यहाँ की एसेट्स लेकर भागने के ऊपर, तो आपको भगोड़ा कहकर उतनी ही हिकारत क्यों ना दी जाए? गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम देखते हैं आज के समय में हमें ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो घर से दूर रहकर पढ़ सकें या विदेश में भी कार्य कर सकें। भारतीय माता पिता ये चाहते अवश्य हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, कार्य करें, लेकिन कई बार वे उन्हें वो आज़ादी नहीं दे पाते जिसकी आवश्यकता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये कह रहे हैं कि बच्चे बाहर चले जाते हैं और माँ बाप नहीं चाहते कि वो उस फॉरेन कल्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाए ना, वो ये तो नहीं चाह रहे ना कि वो वहाँ पर वो उसी तरह से लाइफ स्टाइल लें, वो पब्स के बार्स की बात करें, वो वेस्टर्न जो भी है हम मानते हैं उन सबको अडॉप्ट कर लें। उन्हीं से तो शिकायत है माँ बाप को, बाकी चीज़ से शिकायत है ही नहीं, क्योंकि अगर उन्हें शिकायत होती तो वो आपको विदेश में भेजते ही नहीं। विदेश में पढ़ने भेजा, अपना लोन पर लेकर या अपने पैसे की जो भी प्रोविडेंट फंड है, जो भी उन ग्रेचुटी है, उसको निकाल के आपके ऊपर लगाया और फिर उन्होंने आपको आगे बढ़ाया भी। तो समस्या यहाँ पर आ रही है कि उनकी टेंशन उस बात से नहीं है, उनकी टेंशन आपकी डेवलपमेंट से ही, आपकी एजुकेशन से ही, आपकी ग्रोथ से ही। अब बात आती है आपके ऊपर कि आपकी ग्रोथ में ये कहाँ आता है कि आप उनकी तरह आचरण करोगे तभी आप सफल होगे? ऐसा होता है कि आप गए तो वहाँ पे ग्रोथ लेने के लिए थे, कपड़े बदलने थोड़ी ना गए थे वहाँ पर। वगैरह कपड़े बदलने गए थे तो फिर तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप YouTube पे देखिए, गूगल पे आप सर्च कीजिए, Instagram पे सर्च कीजिए, सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल हैं। हम अपना टारगेट भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए किस लिए थे। माँ बाप को कुफ्त इसलिए होती है कि भैया मैंने जो टारगेट देखकर भेजा था उससे आप इतर जा रहे हो, कि उससे इतर जा रहे हो। आप वो टारगेट अचीव करें तो उन्हें दिक्कत उतनी नहीं होती है, होती है थोड़ी, मैं ये नहीं कर रहा बिल्कुल नहीं होती है, होती है थोड़ी। तो हर आदमी के अंदर एक जड़ होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है सबने। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, और वो सिर्फ जो सब्सटेंशियल चीज़ें उन्हीं पे काम नहीं करता, वो ह्यूमन ब्रेन पर भी काम करता है कि एक विचारधारा बन जाती है हमारी, और हम चाहते हैं कि हम उस विचारधारा के विमुख ना जाएं, उसी के अनुरूप आचरण करें, क्योंकि वो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस के जरिए, हमारे अनुभव हैं, उनके जरिए हमारे जीवन में शामिल होती हैं। आज आप कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी अपेक्षा रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि आपका एक एक्सपीरियंस है, आपको लगता है वहाँ जाएंगे, ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ऐसे लाइफस्टाइल जिएंगे तो आप ऐसा कर लेंगे, आपका एक एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो क्या माँ बाप का एक्सपीरियंस नहीं होगा? माँ बाप का भी तो होगा ना। तो हम एक MNC में जॉब करते हैं, टर्म कंडीशन फाइनल करते हैं, साहब हम ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ऐसा तो डूज एंड डोंट्स होते हैं ना। तो वही मैंने बात बताई, फिर वहाँ पर हम लोग क्यों नहीं हो पा रहे? रिश्तों में सबसे बड़ी खराबी बताए क्या होती है रिश्तों में, वो मैंने शुरू में कहा था टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से तो हम कर लेते हैं, हमारी सहूलियत नहीं नज़र आती वहाँ पर हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, नहीं ये तो करना ही पड़ेगा। तो माता पिता को जो समस्या होती है ना वहाँ पर जाने के लिए, वो क्लाइमेट चेंज की अगर बात आ रही है, कोई और चीज़ों की जो बात आ रही है, उसके लिए मना नहीं करेंगे। आप बताइए कि साहब खाना पीना मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पर आप गर्मी में रहते हो, वहाँ पर ठंडी में रहते हैं, तो ठंडी के लिए मेरे को ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता है, ऐसा खाना खाना पड़ता है, मेरी मजबूरी, नहीं करूँगा तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये कहोगे नहीं सब, मैं तो वहाँ पे जाके बिल्कुल ओपन सेक्स करना शुरू करूँगा, मैं तो ऐसा करूँगा, और मैं तो ये करूँगा, और मैं तो वो करूँगा, अपनी लाइफ स्टाइल ही बदल दूँगा, तो दिक्कत होती है कि माँ बाप को शिकायत ही होती है कि भैया मैंने आपको अपनी संस्कृति बदलने के लिए नहीं भेजा था, मैंने इसलिए भेजा था कि आप वहाँ पर जाओ और अपने आके देश की सेवा करो। जैसे मैम और हम लोग बात कर रहे थे कि, और अक्सर होता भी ये कि आप जहाँ से जुड़े हो वहाँ से तो कुछ रिटर्न तो देना ही पड़ेगा ना आपको, तो वो लौटाएंगे कब? आप तो बदल गए हो, अब आप हो तो लौटा ही नहीं रहे, तो फिर तो शिकायत तो सबको होगी ना। कुछ इस तरह से कि आपने एक बैंक से लोन लिया और आप वहाँ चले गए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? खूब सारे एग्जांपल हैं, हम क्या कहते हैं आप उन्हें? भगोड़ा। एक नहीं दसवीं एग्जांपल हैं, जो हमारे यहाँ से इंडिया से लोन लिया और अब विदेशों में जाके बसे हुए हैं, इज्जतदार लाइफ जी रहे हैं, वो किसी के मन में उनके लिए रिगार्ड है किसी के मन में, और आप चाह रहे हो आपके लिए हो जाए। तो जब आप उससे भगोड़ा कह रहे हो पैसा लेकर भागने पर, यहाँ की एसेट्स लेके भागने के ऊपर, तो आपको भगोड़ा कहकर उतनी ही हिकारत क्यों ना दी जाए? तो बेटा सवाल का जवाब ये, सीधे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में बात करूँ तो ये कि आप जहाँ से जब उठते हो ना, तो वहाँ के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी होती है, लाइबिलिटी नहीं बोल रहा हूँ,
लाइबिलिटी का अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ पूरी तरह जिम्मेदारी में नहीं आता, जिम्मेदारी जिसके अंदर आपकी भावनाएं भी उसमें जुड़ी होती हैं, एक जिम्मेदारी होती है कि इस रूट ने, इस जड़ ने, इस जमीन ने मुझको पोषित करके इतना बना बनाई जिससे फल निकल रहे हैं। तो आपको वो एहसान सदा जीवन में ध्यान रखना चाहिए, इसे ग्रेटिट्यूड आभार कहते हैं। जीवन में जब आभार चला जाता है ना तो इंसान अहंकारी हो जाता है, पतन की तरफ जाता है। तो माँ बाप अगर ऐसी अपेक्षाएं कर रहे हैं कि आप वहाँ जाइए और उनकी जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से चलें, तो वो इतना बुरा नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपनी चीज़ों को, अपने रूट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी जड़ों खोदने की कोशिश ना करें, या तो पहले ही कह दें भैया मैं देखो वहाँ पर जाऊँगा, तो तब तो आप भी नहीं करें, नहीं पापा आप बताओ क्या करना, बहुत अच्छे बच्चे बच्चे बन के जाते हो, हाँ नहीं नहीं आप जैसे करें वैसे करेंगे, वहीं जा करेंगे। तो कमिटमेंट फेलियर जब होते हैं ना, दिक्कत तब आती है जब आप जा रहे होते हैं, तब आप इतने अच्छे इतने सच्चे बच्चे बनकर जाते हो कि दुनिया में आपसे और हमसे कोई अच्छा है ही नहीं, और फिर जैसे वहाँ बाहर निकले ना तो बस अब देख अब क्या करता हूँ मैं, वो वाली बात होती है ना। तो वो जैसे जैसे करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि जो कमिटमेंट आपने शुरू में किए थे वो निभाने पड़ेंगे, अगर नहीं निभाए तो आपको भगोड़ा कहा जाएगा, फिर माँ बाप से आप शिकायत नहीं कर सकते।